मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक प्राइवेट बस की टक्कर से 62 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, एक पुलिस अधिकारी ने बताया। ये घटना सोमवार सुबह जिले के आजाद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 3 इमली क्षेत्र में हुई। मृतक की पहचान पवनपुरी कॉलोनी नेमावर रोड इंदौर निवासी राम प्रसाद मौर्य उम्र 62 साल के रूप में हुई। अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस ADCP राजेश डंटोटिया ने कहा, एक प्राइवेट बस का चालक लगातार बस को आगे पीछे चला रहा था और इस दौरान दोपहिया वाहन पर जा रहे राम प्रसाद मौर्य कुचल गए, जिससे उनकी मौत हो गई। ये दुर्घटना सोमवार सुबह आजाद नगर थाना क्षेत्र के 3 इमली क्षेत्र में हुई।